सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में दो कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया है। इसमें दो बिल हैं। पहला है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य के संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 यानी द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और दूसरा है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। आज डीएनएस कार्यक्रम में इन कृषि विधेयकों के बारे में जानेंगे, समझेंगे इनके उद्देश्य और साथ ही समझेंगे आखिर इनको लेकर विरोध क्यों। जहां देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, किसान को उत्पाद सीधे बेचने की आज़ादी, MSP जारी रहेगी, टैक्स न लगने से किसान को ज्यादा दाम और लोगों को भी कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी, निजी निवेश से कृषि का तेज विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य के संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 को। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी APMC यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। क्या होगा फायदा? ये किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन्हीं क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि इसे देश के सभी किसानों को पहले की तुलना में अधिक फायदा होगा। इसको लेकर आखिर विरोध क्यों? यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति यानी रजिस्टर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर बेचते हैं तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वो मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को ये डर है कि इससे आखिरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसाय फार्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं,
निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। इस बिल से क्या फायदा होगा? इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वो उसके उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुँच देने के अलावा ये विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। ये किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियां निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है।